फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं शेयर कर रही हूँ रागी चीला की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में एक कटोरी रागी का आटा लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच सूजी, 2 चम्मच स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, साथ में हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए गाजर। अब हम इसमें 4 चम्मच दही डाल देंगे। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है। हमारा बैटर अब तैयार हो गया है। अब एक नॉनस्टिक पैन में 1 चम्मच घी गरम करेंगे। हमें लो मीडियम पे ही रखना है। हम 2 स्कूप बैटर डालेंगे और उसे राउंड शेप में फैला लेंगे। चीला को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो ये पलटते समय टूट जाएगा। इसे हम लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकने देंगे तक ये ऊपर से पूरी तरह ड्राई ना हो जाए, तब तक हम इसे नहीं पलटेंगे। अब ये ऊपर से ड्राई हो चुका है। अब हम इसे धीरे से पलट देंगे। देखिए, चीला एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे दूसरे साइड से भी पका लेंगे। 1 चम्मच घी डाल देंगे ताकि वो दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस चीले में। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे कुक कर लेंगे।
देखिए रागी चीला अब दोनों साइड से पक चुका है। अब हम इसे पैन से हटा लेंगे। इसी तरह से हम सारे चीला बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रागी चीला बनकर तैयार है। ये आप सुबह या शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। हम इसको ट्रायंगुलर शेप में काट कर इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। रागी चीला बनकर तैयार है।